हाय गाइस सो इस वीडियो में हम करेंगे फैक्टराइजेशन चैप्टर क्लास एट्थ का उसका नाइन क्वेश्चन question, हम इस एक्सरसाइज के ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और इसकी पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी जिसमें ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट कराया हुआ इसी तरह तरीके से सो so, शुरू करते हैं हमारा टेंथ क्वेश्चन क्या है सब्सटीट्यूटिंग एक्स इज इक्वल्स टू तो माइनस थ्री एन तो सब्सटीट्यूट क्या होता है कि हम ने x की जगह जहाँ जहाँ ये जो नीचे पार्ट्स उन्होंने दिए हुए हैं जहाँ जहाँ भी x मिलेगा हमें हमें उसमें x की जगह सब्सटीट्यूट क्या करना है माइनस थ्री उस x की जगह माइनस थ्री रख देना है ठीक ये उन्होंने बोला हुआ है ये एक दी हुई है इक्वेशन एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स प्लस फोर जिसको वो बोल रहे हैं कि हमने जब x की जगह माइनस थ्री देखिए यहाँ x की जगह माइनस थ्री को पुट किया ऊपर स्क्र तो स्क्र आगे प्लस प्लस फाइव है फाइव लिख दिया x की जगह माइनस थ्री रख दिया प्लस फोर तो आगे जाके इन्होंने आंसर ये निकाल हुआ है फिफ्टीन तो देखो कि ये करेक्ट है या नहीं है ठीक तो हमने खुद देखना है आंसर निकाल के सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं दिया क्या है हमें एक्स स्क् प्लस फाइव एक्स प्लस फोर राइट हमने क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है तो हम लिख देते हैं यहाँ सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री इन किसमें करना है ये हमने एक्स को माइनस थ्री किस में सब्सटीट्यूट करना है कौन सी वाली इक्वेशन में ये वाली तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स प्लस फोर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम तो हमारा जो आंसर हमारा जो uh, क्या बनेगी इक्वेशन एक्स की जगह माइनस थ्री तो माइनस थ्री ऊपर स्क्र तो स्क्वायर प्लस फाइव और एक्स की जगह माइनस थ्री प्लस फोर अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस थ्री को दो बार स्क्वायर है यानी कि दो बार मल्टीप्लाई किया माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री 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 का नाइन होता है और माइनस माइनस हमारा प्लस में चेंज हो जाएगा तो प्लस यहाँ हम लिखें या ना लिखें कोई वो नहीं है तो यहाँ नाइन आ गया प्लस प्लस नहीं आएगा अब यहाँ देखिए फाइव थ्री का साथ में माइनस भी है इसको बोला नहीं है फाइव थ्री का ऐसे क्या होता है फिफ्टीन होता है तो माइनस है तो माइनस फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा राइट समझ आई या यहाँ देख लो प्लस माइनस माइनस और फाइव थ्री का फिफ्टीन प्लस फोर अब इसको सॉल्व करेंगे तो नाइन और फिफ्टीन इन दोनों फिफ्टीन में से नाइन को हम माइनस करेंगे तो हमारा आता है सिक्स बट हमारा बड़े के साथ नाइन और फिफ्टीन में से बड़ी, बड़ी बड़ा कौन सा नंबर 15 तो 15 के साथ माइनस है तो हमारा आंसर जो होगा उसके साथ भी माइनस आ जाएगा आगे क्या है प्लस तो प्लस फोर अब सेम यहां देखिए माइनस और प्लस माइनस सिक्स माइनस फोर तो टू होता है और बड़ा कौन सा है इन दोनों में से सिक्स सिक्स के साथ माइनस है तो यहां भी माइनस आ जाएगा ये हो गया हमारा आंसर बट उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है फिफ्टीन तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है तो ये हमारा करेक्ट आंसर है दिस इज द करेक्ट आंसर ओके इसी तरह से अब हम करेंगे सेकेंड वाला पार्ट सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है सेकेंड पार्ट है एक्स स्क् माइनस फाइव एक्स प्लस फोर गिवस माइनस थ्री स्क्र माइनस फाइव माइनस थ्री प्लस फोर इज इक्वल्स टू नाइन माइनस फिफ्टीन प्लस फोर इक्वल टू माइनस टू यही दिया हुआ है तो इसको अब कर लेते हैं देखिए सॉल्यूशन में हमें जो दिया हुआ है पहले ये इक्वेशन हम कर लेते हैं एक्स स्क्र माइनस फाइव एक्स प्लस फोर हमने क्या करना है सबके लिए हमारा यही है क्वेश्चन में क्या बोलो सब्सटीट्यूट एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री हर एक पार्ट में हमने एक्स की जगह माइनस थ्री को ही सब्सटीट्यूट करना है तो सेम वैसे ही लिखना है सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री इन एक्स स्क्र माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इसमें करना है सब्सटीट्यूट तो कर लेते हैं एक्स की जगह माइनस थ्री ऊपर स्क्वायर है तो स्क्यर माइनस तो माइनस फाइव और x की जगह माइनस थ्री प्लस फोर अब सेम माइनस थ्री को दो बार मल्टीप्लाई करना है तो हमारा नाइन आ जाएगा जैसे हमने ऊपर किया आगे माइनस है तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस 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 प्लस फाइव थ्री का फिफ्टीन प्लस फोर अब सिंपल है इसमें तो कोई है ही नहीं माइनस का चक्कर जैसे ऊपर था तो नाइन और फिफ़्टीन और फोर जो है तीनों को प्लस करके हमारा क्या आ जाएगा ट्वेंटी एट तो ये हमारा करेक्ट आंसर है बट उन्होंने जो करके खुद सॉल्व करके दिया होगा ना वो है माइनस टू तो ये गलत है सो so, ये जो है दिस इज द करेक्ट आंसर ठीक अब करते हैं हम आ, सी पार्ट सी पार्ट है एक्स स्क् प्लस फाइव एक्स गिव्स माइनस थ्री स्क्र प्लस फाइव माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस नाइन माइनस फिफ्टीन इज इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी फोर अब हमें दिया हुआ ये इसको कैसे करेंगे सेम वैसे ही स्टेप बाई स्टेप हमने करना है इसको करेंगे एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स आप क्या करना है सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री इन किस में ये वाली इक्वेशन में एक्स स्क्स फाइव एक्स ये तो छोटी सी है जल्दी से कर लेते हैं एक्स की जगह माइनस थ्री स्क्र प्लस फाइव और एक्स की जगह माइनस थ्री करेंगे इसको सॉल्व तो थ्री माइनस थ्री को दो बार मल्टीप्लाई करने पे हमारा नाइन आता है आगे प्लस माइनस माइनस फाइव थ्री का फिफ्टीन तो इन दोनों को फिफ्टीन यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस फिफ्टीन माइनस नाइन सिक्स बड़ा कौन सा है इन दोनों में से फिफ्टीन फिफ्टीन के साथ माइनस तो आंसर में भी माइनस सो so, ये हमारा करेक्ट आंसर है जबकि इन्होंने आंसर माइनस ट्वेंटी फोर निकाला हुआ है सो so, यहां आएगा दिस इज द करेक्ट आंसर ठीक है सो so, ये था लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे तीनों पार्ट बहुत ईजी थे इजी थे बस सब्सटीट्यूट करना था और करेक्ट आंसर निकालना था आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और जो भी नहीं समझ आया हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बाकी वीडियो को लाइक like ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना बाकी निकल मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बाय बाय एंड टेक केयर